व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन गुंबद कलश। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में आंधी के कारण दिल्ली में स्थित 17वीं सदी की जामा मस्जिद के गुंबद कलश यानी फिनियल का अंतिम भाग क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को पत्र लिखकर इसकी मरम्मत का अनुरोध किया है। आइए जानते हैं गुंबद कलश के बारे में। तो एक सजावटी उपकरण है जिनका उपयोग मीनार या शिखर के शीर्ष पर किया जाता है। यह आमतौर पर सल्तनत और मुगल वास्तुकला में देखा जाता है। मुगल युगीन गुंबद कलश के निर्माण में लकड़ी आमतौर पर साल की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी पर शुद्ध सोने, तांबे, पीतल आदि की परत चढ़ाई जाती थी, जबकि सल्तनत काल के दौरान पत्थरों से बने गुंबद कलश प्रचलन में थे। ऐसा माना जाता है कि मुगल युग के तांबे और सोने के गुंबद कलश मंदिर वास्तुकला से प्रेरित थे। गौरतलब है कि गुंबद कलश जापानी और मलेशियाई धार्मिक एवं आवासीय वास्तुकला की एक सामान्य विशेषता है। आइए अब नजर डालते हैं जामा मस्जिद पर। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के दौरान करवाया था। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जो मुख्य रूप से सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी है। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद खलील थे। जामा मस्जिद के दक्षिण, पूर्व और उत्तर की ओर 3 प्रवेश द्वार हैं। आइए अब जानते हैं शाहजहां के बारे में। वह मुगल बादशाह जहांगीर का उत्तराधिकारी था। उसने 1628 से 58 के दौरान शासन किया था। उसने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उसने ताजमहल, आगरा में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और दिल्ली में लाल किला जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण किया। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गुंबद कलश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये इस्लामी वास्तुकला का मूल आविष्कार है। कथन दो, यह मलेशिया और जापान में पाई जाने वाली धार्मिक वास्तुकला के समान है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।